वीडियो देखने वाले सारे भैया गुलाब रही है। राम राम, न्यू होलैंड है वो, और यो 3602 है, लेकिन इस पर 3630 के स्टिकर ला रहे हैं, और 2009 मॉडल ट्रैक्टर है इसका। जो है मॉडिफिकेशन करवाया है, सब कुछ जेन्युइन काम करवाया है, के करवाया है, और कहाँ तक आए हैं और क्या क्या काम करवाया, कितना खर्चा है सब कुछ जानेंगे, और किस किस चीज़ में चलाया है सब कुछ जानेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना गांव नाम बताइए कुछ है, एड्रेस। ए बी भट्ठे से आए। ए बी भट्ठा बादली से। बादली। अच्छा, ये ट्रैक्टर 2009 मॉडल है। हाँ। और फिलहाल में यो देखने में मतलब ऐसा तैयार कर दिया कि 2022 मॉडल लग रहा है। नए से भी अच्छा लग रहा है। नए से भी अच्छा लग रहा है। पहले जब तो कबाड़ा ऐसा था। अच्छा, बिल्कुल लेके आए थे वो, तो मैंने वीडियो में दिखाया भी था, बिल्कुल कबाड़ था, लेकिन अब एकदम से चेंज कर दिया, बिल्कुल जेन्युइन काम हो गया है। फिर आप ये बताओ कि बहुत से वर्कशॉप हैं जिन्हें भाई इनसे सस्ता भी काम होता है और वो अच्छे का भी दावा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आए हो तो कोई काम करवाया पहले या किसी से पूछ करके आए? ना, पहले करवाया से, बाकी काम तसल्ली बख्श होता है। अच्छा अच्छा, तसल्ली तक काम हुआ है और पहले भी करवाया है आपने? जल्दबाजी वाली बात नहीं। फिर इसमें ट्रैक्टर ने चेंज करवाने में कितना कुछ खर्चा आया, एस्टिमेटेड कुछ खर्चा? 31 के आसपास है, लगभग 31 के आसपास है। तो फिर मतलब आप किस चीज़ पर चला रहे हो मेन तौर पर ट्रैक्टर ने? ये मशीन पर चला है, मशीन पे, और जमींदारा में और भट्ठे पे भी चल रहा है, किराया भाड़ा पे। हाँ। मतलब कि सब क्या है चला हुआ अभी इन्हें ट्रैक्टर। हाँ। भाई 2009 मॉडल था, मैंने वीडियो में भी दिखाया था आपने, और काफ़ी बदलाव आ गया इसमें। तो कपिल भाई तो जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। एक बार इंट्रोडक्शन दे दो और अपना वर्कशॉप का पता बता दो, एड्रेस। वर्कशॉप का पता है जी, नियर यादव धर्मशाला, पवार ट्रैक्टर वर्कशॉप। अच्छा भाई, जज्जर के अंदर? हाँ, जज्जर में भाई यादव धर्मशाला है, उसके पास में पावर ट्रैक्टर वर्कशॉप। तो भाई साहब, आपने इस ट्रैक्टर में के चेंज करे आप वो बताओ। इसके ट्रैक्टर अंदर चेंज करे जी, एक तो कंप्लीट शॉक, सॉरी। अच्छा, कंप्लीट बोनट है भाई, और ये सादा स्टीयरिंग में था जी। अच्छा, पावर स्टीयरिंग में करे, पावर स्टीयरिंग में जो कर दिया, और कुछ के मडगार्ड चेंज करे जी। अच्छा, नई सीट, जिस तरह ये लीवर हो गए। अच्छा, ये छोटे छोटे नोब, और सर्विस वगैरह होगी, पिछला तेल और कंप्लीट तेल चेंज हो गया, और पेंट भी गया, पेंट भी हो गया। इसमें कितना खर्चा आया एक बार आप और बता दें? लगभग 1.25 लाख रुपए का, 1.25 लाख के आसपास जो इसका खर्चा बैठा है। जो सामान लगाया वो किस कंपनी का लगाया आपने? ओरिजिनल CNH का, CNH का, बिल्कुल ओरिजिनल। तो एक बार अपना जो है नंबर दे दो, ताकि कोई भी अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी चाहता हो तो आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए। 9496-9493। ठीक है भैया, ये भाई साहब आपने कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, और मैं जो है वर्कशॉप का एड्रेस भी दे दूंगा, आप आगे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी भाई कहीं से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी भाई नाराज़ हो के नहीं जाएगा, बिल्कुल खुश हो के जाएगा, बहुत अच्छा काम करते हैं, और एक नंबर का जो है इस ट्रैक्टर का काम किया है, बिल्कुल CNH के साथ में। एक बार मैं इसकी आपको फिटिंग दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई, एडजस्ट कर सकते हैं हम अपने काम के अनुसार, लोडर वगैरह में लगा रहे हैं तो जैसे हम एक्सल को एडजस्ट कर सकते हैं वैसे ही जैक को कर सकते हैं। और ये फिटिंग होगी पावर स्टीयरिंग की, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और भाई जो जमींदार है वो इसमें 16 के टायर, ये 3630 के जो स्टिकर क्यों लगवाए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 16 के टायर डलवा के और टर्बो लगवा के इसकी HP बढ़वाने की जो उनकी कोशिश है, लेकिन पहले ये ऐसे ही चलाएंगे कुछ दिनों तक, और फिर उसके बाद 16 के टायर डाल के टर्बो लगवा देंगे। वो भी वीडियो में जो आपके आपके लिए ले करके आऊँगा। तो जब तक जो आप, नमस्कार जी, जो आप इस ट्रैक्टर को चलाते हो, ड्राइवर हो आप? हाँ जी, ड्राइवर जी। तो आपने मतलब पहले जब छोड़ के गए थे ट्रैक्टर को वर्कशॉप पे, हाँ जी, और अब आप लेके जा रहे हो, तो कैसा लग रहा है? अब तो ऐसा लग रहा है अभी कटा के लाया हूं। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कटा के नया जस्ट, और आप ले करके जा रहे हो? पहले तो कदा ही वैसा हो रहा था। अच्छा, पहले तो मैंने देखा था भाई काफी जो कंडीशन खराब थी ट्रैक्टर की, तो अभी आप बिल्कुल संतुष्ट हो काम से? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट।
बिल्कुल संतुष्ट हैं भाई सरदार जी, और मैं भी बिल्कुल संतुष्ट हूँ ट्रैक्टर का काम देख के। बाकी आप कमेंट करके बताओगे भाई कैसा काम हुआ है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।